बुर्का इसीलिए पहने तुमने। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या हो रहा था देखकर आप वीडियो में हैरान रह जाएंगे। आज का ये वीडियो हर मुसलमान को देखना बहुत ज़रूरी है। स्टेशन पर हिजाब में खुलेआम बेहयाई चल रही थी, लेकिन एक सच्चे मुसलमान से रहा ना गया कि कोई हिजाब को उसकी आंखों के सामने इस तरह बदनाम करे। लाइव वीडियो बनाता हुआ जब ये मुस्लिम नौजवान इन दोनों के पास जाकर इनका नाम पूछता है, तो जो हकीकत सामने आई वो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। इस पूरी वीडियो को देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मुसलमानों को शेयर कीजिए। बुर्का इसीलिए पहने तुमने? बुर्का क्या? हाँ क्या बोल, बुर्का क्यों पहना है? बुर्का तो पहने ये सब करने के लिए, मतलब क्या चाहता है कि ये सब तुम लोग करे? तुम जाओ नहीं, बुर्का इसीलिए पहने तुम? बुर्का इसीलिए बनाया वो बता, बुर्का इसीलिए बनाया है? हाँ ये सब करवाने के लिए। क्या नाम है? अफसर नाम। हाँ क्या होगा, क्या नाम क्या है, क्या नाम है बोलना? बोलना अफसर नाम। मुसलमान है ना, जरा मारिए देखो, यहाँ खड़ के लड़की बुर्का पहनी है, तू उसको यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है? ये पहले से ये जानवरों वाली हरकत करने की जगह है क्या वो बता? अबे ऐसी मुसलमान लोगों को लोग टारगेट कर रहे, तो बेशर्मी वाली हरकत कर रहा, तेरे को जरा भी समझ में आ रहा क्या कर रहा? सुना तो तू कर रही सबके सामने। एक मिनट मेरा भाई, देख मैं बुर्के तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोग पर्सनल मैटर रहता ना, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन भाई वो मेरे दीन मेरे इस्लाम का लिबास है। एक मिनट, इस्लाम की बात है। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? तू मत पूछो, उन्होंने कर रहे थे। क्या नाम क्या तुम्हारा, बोलो ना नाम, बोलो तुम्हारा। तुम्हारे अम्मी अब्बा को मालूम यहाँ ये कर रहे तुम? तो बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? जिनकी पूरी जिंदगी में एक बाल नहीं किसी गैर महरम ने देखा, ये बुर्का उनकी सुन्नत है। बहन के यहाँ पे ये चुम्मा चाटी कर रहे, क्या दिखाना सारे दुनिया को? तो मुसलमान लोग ये सब करने के लिए पैदा हुए? मुसलमानों का ये काम है? अरे एक टाइम था कर्नाटक में, वो बहने अल्लाह उनको सलामत रखे, उन लोग बुर्के के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी यही हरकत हो गई तो मुसलमान बर्बाद हो रहा, इन्हीं हरकत हो गई तो मुसलमान हर तरफ से पीछे हो रहा। क्या समझ रहे तुम लोग, इस्लाम को क्या हल्के में ले लिए? दीन का मजाक है ये बुर्का है ना? एक मिनट, इसी के अब्बा की जागीर नहीं है, ये इस्लाम का दिया हुआ लिबास है। अगर इसका अदब और एहतराम कर सकते हो तो पहनो, नहीं तो कोई गरज नहीं है तुम्हारी पहनने की। सही बात है, कोई गरज नहीं है पहनने की। मेरी बात सुन बनता है, ये सब मेरे को मत बता। देख क्या बोल रहा हूँ, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? और देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आके बोला तो बुरा लगा, तू ऑन द स्पॉट पब्लिक पैलेस में तूने वो हरकत करा, तो मैंने पब्लिक पैलेस में ही बोला। चार लोग अगर देख रहे ना तो सबको समझ में आना चाहिए बुर्का क्या चीज है। लेने दो की बात नहीं है, इस्लाम दलक कोई आएगा अपने को बर्दाश्त नहीं है। अपने लोग ही बर्बाद कर रहे ना, फिर दीन का नाम अपने लोग ही खराब कर रहे ना। बुर्के का नाम कौन खराब किया? अपने लोग ही खराब किए ना। दुश्मनों की जरूरत है अपने को? तुम लोग बुर्का पहन के ये चीजें कर रहे हो, चलो नॉर्मली खड़े बात करे, मतला नहीं समझ में आता है। चुम्मा छाटी कर रहे, बेशर्मी की हद होती है। क्या बुर्का इसलिए पहना है कि मुसलमान यही काम के लिए पैदा हुआ? क्या ये काम है मुसलमानों का? तुम लोगों को देख के ना लोगों की इमेज, लोगों के जहन में ना गंदा आता है कि बोले मुसलमान यही औरतें करती है, मुसलमान औरतें यही करती है। चढ़ाना घर में जाते हराम को रंडी थाली लोग, और लोग बुर्का पहन के जाते, लोग क्या सोचते रहेंगे? अरे नॉन मुस्लिम है ना जो इस्लाम को नहीं जानते, उन लोग इस्लाम पढ़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में किताब पढ़ने नहीं आएंगे, उन लोग तुम्हारे किरदार को देख के तुम्हारे को समझेंगे, तुम्हारे मजहब का अंदाजा तुम्हारे किरदार से लगाएंगे। उन लोग क्या समझ रहे, दिन को हल्के में लिए? कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी करके क्यों करके जा रहा है? इसी तरह तो पीछे हो ना, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ, घर पे तुम लगाओ, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ ना, तुम्हारे घर पे। अरे मेरा भाई देख, समझ रहा भाई तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ, समझ रहे अभी हम समझा दिए भाई, अब समझ गए ना। बोलो ना, तू चल नहीं भाई, देख मैं ना अभी, मैं सुन मेरी बात सुन, बोलना बोलना मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मौत से डरता ही नहीं मैं, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत से डरता ही नहीं मैं। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे को कुछ डाउट लगा था, छोड़ो की बदनामी नहीं करना, मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ कोई
मतलब नहीं है, कोई ना गलती। मेरे को तुम्हारी, मेरे को तुम्हारी एक मिनट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, पब्लिक में चिल्लाया, पब्लिक में चिल्लाया, पब्लिक में चिल्लाया, एक मिनट क्या बोला, पब्लिक में क्या कर रहा था वो, पब्लिक में क्या कर रहा था, कुछ भी क्या कर रहा, बुर्का पहन के करेगा, बुर्का पहन के करेगा, बुर्का पहन के करेगा, समझे ना भाई, देख भाई अकड़ अकड़ मेरे साथ मत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग मुसलमान है तो तुम लोग दीन की नॉलेज है, इस्लाम बेहयाई से बचने की बात करता है, एक बार लोग खुलेआम बेहयाई कर रहे हो, एक बात बता दूँ ना, बोलना, हफ्ते में महीने में एक बार टाइम मिलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जान समझा, तू टाइम मिलता है ना, पढ़ के बात कर, कोई मसला नहीं, अरे भाई तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा, चलो आते आते लोग देख रहे ना, लोग गलत थिंकिंग कर रहे हैं, मुसलमान लोग ये करते बोले, सबकी गलत क्या लग रहा, हाँ तो तुम लोग करके दिखा रहे, फिर तुम लोग प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, समझा ना, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे।